everybody and welcome to the part 5th of Trimbak Trek. Now we are descending from Panchaliga and going to Brahmagiri Plateau and from there to have our lunch. So इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ये हमने पूरा माउंटेन कवर कर लिया है विच आई फील वेरी वेरी प्राउड ऑफ बिकॉज काफ़ी चैलेंजिंग और काफ़ी डिफिकल्ट था. जितनी चढ़ाई मुश्किल थी आई थिंक उतरने में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लगेगा क्योंकि कुछ कुछ जगह पर रॉक पैचेस थे और मैंने आज तक कभी रॉक पैच क्लाइम नहीं किए थे. तो खैर क्लाइम करना तो जितना डिफिकल्ट नहीं है जितना उतरना है. ओके आई एम लिटल स्केर्ड नाउ, लेट्स सी क्या होता है. तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आने वाला है. तो अभी मैं एज की तरफ जा रही हूँ. जो आपको पत्थर दिख रहा है ना वो एज है, वो एकदम सब सिमिलर दिख रहा है इसलिए मालूम नहीं पड़ रहा है, बट या पत्थर है वो एकदम एज पे है. एंड एक और बार आप बस इस व्यू को निहार लीजिए क्योंकि अब आपको दिखने वाला है नहीं. वी आर डिसेंडिंग, दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्ट पार्ट बट विल टेक केयर ऑफ इट. देयर आर टू लिटिल डाउन स्टीप, I never did before. Let's see. It's 2 o'clock and doesn't feel hot. Thank God. It's awesome. This 5-peak mountain was worth going, you know, worth. Thank you so much. Here is the view of Brahmagiri Plateau from Panchalinga and then you will see a Brahmagiri viewpoint and rock wall and Durg Bhandar in the same line. यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि मैं आपको वो स्कैरी पार्ट दिखाऊंगी जहाँ पे हमने असेंड किया था, मतलब वो रॉक पैच हमने क्लाइम किया था. अब बस वहीं पे हम अभी उतरने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत छोटी सी जगह है. यहाँ पे आप एक साथ दो जन खड़े भी नहीं रह सकते और बहुत ही स्ट्रेट था और टॉप पे पैर रख के नीचे उतरना था. इट वाज लाइक मैंने कभी नहीं किया था तो आई वाज रियली स्केर्ड ऑन दिस पार्ट स्पेशली. बाकी अगर खैर ठीक है तो मैंने बस दिखाने के लिए ही थोड़ा सा वीडियो निकाला. दिस वाज द डिफिकल्ट पार्ट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. आई डिडंट शूट मायसेल्फ बिकॉज आई कैन नॉट शूट एंड एवरीबॉडी वर बिजी हेल्पिंग ईच अदर. ग्रेट 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 ग्रेट. जय माता दी. पूरा वीडियो आ गया नहीं? बहुत सही बहुत सही बहुत सही. ये हमने कर लिया, वी फाइनली डिड इट. It feels so good. It's amazing view. Now we're gonna have our lunch and then one more little person. Listen, and it will be like a whole big turn. Ooh, thank God that there was no heat while descending. Feels really good. I hope you love this trek video. तो आप लोग में से कौन मुझे बता सकता है कि ये जो हड्डी है वो किस जानवर की है? जो भी सही जवाब देगा मैं उसको कुछ नहीं दूंगी. बस आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और ऐसे ही प्यार बनाते रहिए. अगला वीडियो का पार्ट जल्द ही आएगा. अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है तो आपको कहीं जाना नहीं है. ओके जस्ट स्टे हियर, अभी तो और भी बहुत कुछ आने वाला है. तो हम अपने वो शॉप पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हमने अपनी बैग्स रखी थी और हम ये खाना गर्मा गर्म खा रहे हैं. भाई इस डिश का नाम कौन सही बता सकता है? जल्द से जल्द कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि इस डिश का नाम क्या है. महाराष्ट्र में. ओके पिटला भात दाल से बनता है ये और चावल में. ये गर्मा गर्म पिटला भात अंकल ने हमारे लिए बना कर रखे थे और हम जैसे ही आए और फिर हम इतने भूखे थे कि बस हम टूट पड़े और जितना बनाया था अंकल ने हमने वो सब खा लिया. बहुत ही यम था, बहुत टेस्टी था. एंड मैंने तो फर्स्ट टाइम ये डिश खाई थी तो मुझे तो बहुत मज़ा आ गया. एंजॉइंग देसी लाइफ, टेम्प्ररी देसी लाइफ. क्योंकि रोज़ रोज तो ऑब्वियस बात है कि आप ये सब एक्सपीरियंस नहीं कर सकते बट मज़ा आ गया कसम से. और अब हम निकल रहे हैं डिसेंडिंग करने के लिए और हम जाएंगे विनायक खिंड जिसको हाथी दरवाज़ा भी बोलते हैं.
तो हम ये जो रूट आपने शायद 3-4 बार देखा होगा, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सेम रूट पे ही क्यों आना जाना लगा है इनका। तो मैं बता दूँ आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए कि ये एक ही रास्ता है जहाँ से हमको नीचे उतरना था ऊपर भी आना था, और हम वापस वही रास्ते से आए। और मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कहाँ पे सोए थे, वापस वही दिखाऊंगी, और वही रूट से हम विनायक खिंड की ओर जाते हुए फिर हम डिसेंड करेंगे, त्रिंबक शहर की तरफ आएंगे। तो ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ना, श्री कृष्ण भगवान का, ब्रह्मगिरी कृष्णधारी कृष्ण भगवान का मंदिर, यहाँ पे हमने स्टे किया था रात को। भाई भगवान ने हमें बचा लिया, रात को कोई भी माकड़, मतलब माकड़ इन द सेंस की मंकी ने परेशान नहीं किया। तो बस सुबह सुबह तो ऑब्वियस बात है कि वो भी जग जाते, तो उनको भी तो खाना खाना है। तो हम यहाँ पे अच्छे से रहे थे और अब हम निकल रहे हैं विनायक खिंड की ओर। बाय बाय। सो डिसेंडिंग विल बी फ्रॉम द अदर साइड एंड दैट प्लेस कॉल्ड हाथी दरवाजा। बेसिकली वी हैव टेकन द रूट फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द पंचलिंगा, जहाँ पे हम सोए थे वहीं से वो जो रूट जा रहा था वो हमने लिया है विनायक खिंड की ओर जाने के लिए। तो अगर देखा जाए तो ऐसा होगा कि हमने पंचलिंगा से लेकर ब्रह्मगिरी और दुर्ग भंडार का पूरा परिक्रमा किया है। It's around 4 in the evening and we are descending slowly, slowly. This is the Panchalinga mountain which we climbed successfully. And now we are going slowly, slowly, like, you know, having all the time for ourselves to gaze around, see nature, see the beautiful mountains. It's really an amazing view and just can't get enough, you know. I have taken a lot of videos. The Paini Khind. That's how we are descending. You can see. ये मैं हूँ, ये मेरी परछाई है और यहाँ पे हम चल रहे हैं। जल्द से जल्द मैं आपको हाथी खिंड, सॉरी विनायक खिंड दिखाऊंगी, हाथी दरवाजा दिखाऊंगी। तो आप मुझे बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है। बाय द वे, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैं आगे चल रही थी तो मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली कि किस तरफ जाना है, पर मेरे फ्रेंड्स लोगों ने कहा कि हम यहाँ पे 5-10 मिनट बैठते हैं, फेस वॉश कर लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और फिर चलते हैं। तो हमने एक छोटा सा पिट स्टॉप लिया है सिस्टर्न किनसे पोंड के पास, नेचुरल वाटर यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। और कहता था मेरे को कभी ऑफिस का काम होता था तो या तो ये और समीर प्लान करके बना देते थे, कुछ होता था तो मैं समीर या मैं ये। उस भाई साहब ने अच्छा जॉब ले लिया है, सैटरडेज वर्किंग वाला, ये बोल रहे 21 में नहीं है उसे सैटरडेज वर्किंग। लेट्स होप। बाल बाल बची हूँ ये वाले शॉट के टाइम पे गिरते गिरते, लिटरली आई एम टेलिंग यू। सो अगेन वी आर बैक टू ट्रैक एंड डिसेंडिंग। तो अब हम निकल पड़े हैं विनायक खिंड की ओर, और अभी भी मैं आगे ही चल रही हूँ क्योंकि बहुत सिंपल सा डिसेंडिंग था, इसलिए हम सब नए थे इस वाले रूट के लिए जो हम फॉलो कर रहे थे अपने हिसाब से। भाई यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है क्योंकि डेड एंड आ गया है और हमें पता नहीं हमें जाना कहाँ से है, और ये विनायक खिंड का गेट है जहाँ से हमको जाना था, अब ये तो ब्लॉक कर दिया किसी ने, मतलब यहाँ पे पत्थर लगे हुए हैं, तो हम जाएंगे कैसे। बहुत टेंशन आ रहा था क्योंकि शाम होने को आई है और अभी भी हम पहाड़ों में ही हैं।
कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरा हो जाए और हम अभी पहाड़ों में घूमते रहे और ये रास्ता तो ब्लॉक हो चुका है। तो अब इसका हमने सॉल्यूशन क्या निकाला है वो मैं आपको बताती हूँ अगले वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट पार्ट के लिए और मिलते हैं जल्द ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।